तो हे गाइस, मैं हूँ के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड, यदि आपने सीएससी के थ्रू यूटीआई से पैन कार्ड बनाया है या फिर यूटीआई पोर्टल से आपने यदि पैन कार्ड बनाया है फ्रेंड, और किसी कारणवश फ्रेंड आपका पैन कार्ड जो है गुम हो चुका है, ठीक है। यदि आपने पैन कार्ड शुरू फर्स्ट टाइम बनवा चुके हैं, यदि आपका पैन कार्ड आया होगा और उसके बाद कहीं आप यदि आपने उस पैन कार्ड को गुमवा दिया होगा या फिर फट चुका होगा, तो उसको फ्रेंड आप जो है कि यूटीआई के जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां से कैसे प्रिंट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, कैसे रीप्रिंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप जो है कि सिंपली तरीके से आपको यहाँ पर बिना मोबाइल नंबर के आप कैसे वहां पर प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली तरीके से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर फ्रेंड आपको सर्च करना है यूटीआई, ठीक है। आपको यूटीआई पेन रीप्रिंट सर्च करना है, ठीक है। आपको इस चीज को सर्च कर लेना है। जैसे आप यूटीआई पेन रीप्रिंट सर्च करेंगे, इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो यूटीआई सीएल का आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं www.utitsl.com, ठीक है। आपको यहाँ पास ये वेबसाइट आपको दिख जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए रीप्रिंट पेन कार्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यही चीजें सर्च करनी है फ्रेंड, ठीक है, यूटीआई पेन रीप्रिंट। इसके बाद डायरेक्ट ही आपके पास ये लिंक आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड देखिए, यहाँ आप यूटीआई का जो पेन सर्विस पोर्टल है आप इसके अंदर विजिट कर जाएंगे। और विजिट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए रीप्रिंट पेन कार्ड, रीप्रिंट पेन कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जनरेटेड पेन कार्ड रिक्वेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर रीप्रिंट पेन कार्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका कुछ डिटेलिंग आएगा, ठीक है। आपको देख लेना है, आपको पेन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर है तो आप डालिए, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट साइन नहीं है। जितने भी स्ट्रिक्ट साइन दिए होंगे उस डाटा को आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फ्रेंड यहाँ पर तो अपना डीओबी भी फिल कर सकते हैं क्योंकि डीओबी आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंडेटरी है, और कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पर। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो कैप्चा फिल करें और सबमिट पे क्लिक करें। तो मैं फ्रेंड एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं पेन कार्ड नंबर जो है फिल कर देता हूँ और इन्फॉर्मेशन को मैं हाइड कर दूंगा सिक्योरिटी रीजन के कारण। फ्रेंड आप अपने केस में यहाँ फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेन कार्ड नंबर जो है मैं इंटर कर लेता हूँ, आप अपने केस में फिल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप फिल कर ले अपना जो भी डाटा है, आप अपना पेन कार्ड नंबर यहाँ पर सिंपली तरीके से आप फिल करेंगे, ठीक है। और फिल करने के बाद फिल कर लें और यहाँ पर फ्रेंड आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और यहाँ पर आप कैप्चा फिल कर दें। कैप्चा फिल करने के बाद देखिए फ्रेंड सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा फ्रेंड, फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज वेरीफाई योर कॉन्टेक्ट डिटेल, ठीक है। तो आपने जिस फर्स्ट टाइम आपने जब सीएससी के थ्रू या यूटीआई पोर्टल के थ्रू आप जब आप पेन कार्ड बना रहे थे, तो जो भी आप मोबाइल नंबर दिए होंगे फ्रेंड वो आ जाएगा। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा और साथ में फ्रेंड आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा। जो आपका एड्रेस है, जो भी आपका जो कम्युनिकेशन जिस जिस एड्रेस पे आपका पेन कार्ड गया है, वो एड्रेस यहाँ पर आपको आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा, आपका पिन नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपका कैप्चा फिल करना आ जाएगा। तो आपको फ्रेंड क्या करना है, देखिए ओटीपी के माध्यम से होगा, लेकिन फ्रेंड इसमें जो है कि ईमेल में आप मंगाना चाहते हैं ओटीपी या एसएमएस के थ्रू मंगाना चाहते हैं, तो मैं ईमेल के थ्रू मंगाऊंगा फ्रेंड। ईमेल में यहाँ पर मैं सिंपली तरीके से अपना ईमेल चेक करूंगा कि ईमेल के अंदर आपका आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से फ्रेंड देख सकते हैं आपको कैप्चा फिल, तो फ्रेंड यहाँ पास क्या करना है, आपको सिंपली तरीके से कैप्चा फिल करना है और यहाँ पास ओनली ईमेल वाला ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपली तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं बोथ का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड, लेकिन आप ओनली ईमेल पे ईमेल वाला ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली तरीके से मैं इसमें लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली तरीके से आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक, कुछ नहीं करना है फ्रेंड। इसमें जो है कि आपका जो है जो ई पेन कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैप्चा फिल करके फ्रेंड यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करूंगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पर ओटीपी जा चुका होगा, ठीक है। तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है वहां पर चेक कर लें, आप अपना ओटीपी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चेक कर लें कि आपका ओटीपी आया है कि नहीं आया है आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है। और उसको आपको फिल कर लेना है। तो सिंपली तरीके से आप वेट कर ले, मैं यहाँ पर मेरा ओटीपी आया नहीं है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड मेरा ओटीपी आ चुका है, तो मैं ओटीपी यहाँ पर फिल कर देता हूँ।
और ओटीपी आने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर पेमेंट का जो है कि मोड आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट पे किस हिसाब से कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ₹50 आपको आपका आपका जो पेन कार्ड का रीप्रिंट का चार्ज लगेगा फ्रेंड, और आपको जो ई पेन कार्ड यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए आ जाएगा। देखिए ₹50 पे करना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है मोबाइल नंबर, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्ट ही आप पेमेंट कर सकते हैं ठीक है। क्योंकि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे जो पेमेंट गेटवे है उसको और कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सिंपल तरीके से देख सकते हैं। आप इन तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अदर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, जितना भी इंडिया के अंदर जो भी पेमेंट गेटवे है उनसे आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी बैंक रहेगा यहाँ पर पूरे बैंक आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड आप सिंपली तरीके से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, तो यूपीआई सबसे सरल तरीका है, तो मैं यूपीआई यहाँ करूंगा और भीम यूपीआई पे सेलेक्ट करके मैक पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं एक पेमेंट पे क्लिक होगा फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना वर्चुअल आईडी डालना पड़ेगा, चाहे आपका पेटीएम का हो, चाहे आपका फोन पे का हो या फिर गूगल पे का हो, तो आपको सिंपल तरीके से अपना जो आईडी है उसको आप फिल कर लें ठीक है। मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ और आप अपने केस में फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड सिंपली तरीके से यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक कर दें आप। तो वर्चुअल आईडी यहाँ पर फ्रेंड रॉन्ग बता रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली तरीके से पेटीएम मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ और मैक पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। देखिए फ्रेंड थोड़ा सा पेज लोड लेगा और देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो है कि मेरे मोबाइल पे रिक्वेस्ट आ चुका है पेमेंट के लिए, इसको पेमेंट करने के लिए ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड जैसे ही एक्सेप्ट करूंगा तो फ्रेंड देखिए ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और सक्सेसफुल हो जाने के बाद फ्रेंड जो है कि मैं यहाँ पर फिर भी यहाँ पर पेमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इसको स्टेप बताना था इसीलिए, तो मैं फ्रेंड इसे डिसलाइन पेमेंट कर दूंगा ठीक है। तो डिसलाइक पेमेंट कर दूंगा फ्रेंड, जैसे डिसलाइक पेमेंट करूंगा तो यहाँ पर देखिए बैक हो गया है ठीक है। आपके केस में जब पेमेंट आ जाएगा तो पेमेंट पेमेंट जैसे हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए आपका डाउनलोडिंग के लिए पेन कार्ड आ जाता है ठीक है। तो आप डाउनलोडिंग वाले लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा ठीक है, क्योंकि आपके केस में पेमेंट हो जाएगा, आप ₹50 वहां से अप्रूवल दे दीजिएगा, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा आपका ठीक है। और पेमेंट होने के बाद फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ आगे का स्टेप कि आपको क्या करना है। जैसे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा ठीक है, डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, डाउनलोडिंग करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपका पेन कार्ड मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपका डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग हो जाएगा ब्राउजर में, और डाउनलोडिंग वाला फोल्डर पे आकर देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ देख सकते हैं ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको पेन कार्ड ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ किस टाइप से आपको दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं ई पेन कार्ड पीडीएफ में आपको डाउनलोडिंग मिलेगा, और आपको फ्रेंड पीडीएफ में इस टाइप का मिलेगा देख सकते हैं ठीक है। टोटल वही चीजें रहेंगी जो आपका फर्स्ट टाइम पेमेंट, जब आप फर्स्ट टाइम आपका ई पेन कार्ड आया था आपके ईमेल आईडी पे, वही पेन कार्ड रहेगा ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड जो है कि आप अपना पेन कार्ड इजी तरीके से जो है कि यूटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ई पेन कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।